हाय गाइस, आप सभी कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हो ना? ओके, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया बेटा कि भाई कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है? मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपसे पूछा भाई यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, तो मैंने आपको कंक्लूजन बताया बेटा हमें प्लेस वैल्यू की नीड होगी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमें सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमें टिप्स पे याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने के 5 ऑर्डर्स होते हैं, उसमें से बेटा हमें 2 ऑर्डर्स का यूज होगा हमारी कोडिंग डिकोडिंग में। बाकी जो बचे फिर से इन 5ों का फिर से हमारा टॉपिक आएगा अल्फ़ाबेट का, उसमें यूजेज होगा। तो आज हम 2 के 2 ऑर्डर्स को पूरा करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और धीरे धीरे टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो आज का हमारा ऑर्डर है बेटा सीधा क्रम, मतलब लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर, या फिर मैं कहूँ बाएँ से दाएँ का क्रम। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा? ए से होती है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा? ए से होती है, ठीक है? और याद रखना ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है और ये हमारा राइट कॉर्नर है, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर, ये हमारा राइट कॉर्नर। याद रखना कॉर्नर कभी चेंज नहीं होंगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आगे फिर से भी बताऊँगा, अगले टॉपिक में आएंगे, अभी इनका कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि आपको याद हो जाए। और याद रखना बेटा ए से लेकर एम तक के लेटर्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ कहते हैं। ए से लेकर एम तक के लेटर्स को क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट हाफ कहते हैं, मतलब प्रथम अर्धांश। और एन से लेकर जेड तक के लेटर्स को क्या कहते हैं बेटा? सेकेंड हाफ कहते हैं। और लिखने का सिक्वेंस ऐसे ही रखना है, मैं एन को एम के बाद रख सकता था, मैंने नहीं रखा, ठीक है? तो बेटा अभी हमें याद क्या करना है? प्लेस वैल्यू याद करनी है। क्या याद करना है माय डियर्स? प्लेस वैल्यू, ठीक है? तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1। बी की कितनी? 2। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि बी से पहले ए आता है, एन से पहले एम आता है, और एल से पहले के आता है। उसी तरह से बेटा सभी की पोजीशन क्या है? फिक्स है। सभी की पोजीशन क्या है बेटा? फिक्स। तो ए पहले पे आया, इसी वजह से ए की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बी की कितनी होगी? 2 होगी। सी की कितनी होगी? 3 होगी। डी की कितनी होगी बेटा? 4 होगी, ठीक है? तो धीरे धीरे से इनकी प्लेस वैल्यू याद करेंगे। किसकी? कैसे याद करेंगे प्लेस वैल्यू को? कीवर्ड्स की मदद से, ठीक है? तो धीरे धीरे सुनना कीवर्ड्स को। हर लेटर के पीछे छोटी छोटी स्टोरी है, उनको सुनना ध्यान से। ए वन, हाँ बेटा, ए वन, ए वन। आप जब भी कोई भी चीज लेना चाहोगे तो क्या कहोगे? ए वन क्वालिटी होनी चाहिए। शूज लेने चलेंगे सर शॉप पर, तो क्या होगा भाई? A1 शूज देना, ठीक है? और आपने नोट्स लिया, आपने मेरे से भी कहते हो सर नोट्स देना, मैं भी कहता बेटा नोट्स दूंगा तो लेकिन A1 दूंगा। और आपने जो नोट्स बनाना तो A1 ही बनाना, ठीक है? या फिर आप बाइक लेने जाते हो तो क्या कहोगे? भाई A1 बाइक लूंगा, लूंगा तो ठीक ठाक से, नहीं तो नहीं लूंगा। ऐसे ही आप जो कपड़े खरीदने जाते हो तो क्या कहोगे? भाई A1 ड्रेस दिखाना, बिल्कुल A1 क्लोथ दिखाना मेरे को, ठीक है? स्वीट्स लेने चलेंगे, बेटा कैसी स्वीट्स होनी चाहिए? A1 स्वीट्स होनी चाहिए, A1, ठीक है बेटा? याद हो जाएगी एक ही प्लेस वैल्यू A1। आगे बढ़ते हैं बेटा, बी की कितनी है? 2। बी की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा? 2। तो भाई ऐसे ही मैं एक बार मार्केट में था और मैं एक बार क्रॉसिंग पे खड़ा था रेड लाइट की वजह से, तो मैंने पीछे टर्न करके देखा, तो मैंने देखा एक बच्चे की बाइक पे फ्रंट में क्या लिखा हुआ था, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। और मैं उस बच्चे की भावनाओं को समझ गया कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो बेटा क्या लिखा हुआ है? B2। क्या लिखा हुआ बेटा? B2। तो भाई आपने देखा हुआ कुछ ऐसे भी करते हैं कारनामे, क्या लिखा है सोनू? अपने बसेज और ट्रक के पीछे देखा होगा, ठीक है? इस तरह से लिखते हैं कुछ सोनू। ऐसे ही उस बच्चे ने अपना नाम बताने के लिए क्या किया, कुछ इस तरह के पैटर्न में, इस तरह के डिजाइन में उसने अपने लिखा क्या? B2। और हम समझ गए कि ये अपना वहां से अपना नाम बता रहा है, तो कीवर्ड क्या होगा बेटा? B2। या फिर आपने कॉमेडी कपिल का शो देखा होगा भाई, कपिल शर्मा का, तो भाई उसमें कपिल का नाम भी क्या है? बिट्टू है, ठीक है? तो भाई बी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2। B2। शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा। सी स्टैंड फॉर बेटा कैट। बचपन में सुना होगा बहुत बार, है ना? माँ कहती है बेटा बिल्ली आ जाएगी, बाहर मत जाना, है ना? कोई भी थे जो बचपन में छोटे थे तो ये कहता था अंकल आ गया बेटा, बस ये खा ले,
नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, ये कुछ कर ले, नहीं तो फिर बिल्ली आ जाएगी, है ना। इस तरह से डरा डरा के हमें रहते थे, चुप रह जा बस, माँ खाना खिलाती थी फिर भी नहीं खाता, बेटा जल्दी खा ले नहीं तो बिल्ली आएगी वो खा जाएगी तेरा खाना, है ना। तो याद रखना बेटा, सी स्टैंड्स फॉर कैट। कैट में कितने लेटर हैं बेटा, थ्री लेटर्स हैं। कैट में कितने लेटर हैं, थ्री लेटर्स हैं। कैट के अंदर कितने लेटर हैं, थ्री लेटर्स हैं। तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, थ्री होगी। सी की प्लेस वैल्यू कितनी है, थ्री। आगे क्या है बेटा, डी। डी स्टैंड्स फॉर क्या है बेटा, डिनाई। डी स्टैंड्स फॉर क्या बेटा, डिनाई। डिनाई मीन्स क्या होता है, मना कर देना भाई, ठीक है। याद रखना बेटा, इंग्लिश में हर एक वर्ड्स की फीलिंग होती है अपनी अपनी, हर एक वर्ड्स की फीलिंग्स होती है। जिसे आपने सुना होगा भाई, नेगलेक्ट कर देना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, ऐसी तरह से एक डिनाई भी है। और तीनों वर्ड्स को मैंने बोला, इनका अलग अलग मीनिंग होता है मना करने का, ठीक है। तो इसी तरह का मीनिंग है जो मैंने कहा डिनाई, इसका मतलब कैसे होता है, कैसे माफ करता है, मतलब कैसे मना करता है, ठीक है। तो बेटा एक छोटी सी स्टोरी है माँ बेटे की, वो सुनना। तो भाई एक बार भाई उनके परिवार में कुछ गेस्ट आ जाते हैं, कुछ मेहमान आ जाते हैं। तो भाई गेस्ट आ गए तो भाई उनके लिए कुछ चाय नाश्ता भी चाहिए, ठीक है। तो भाई देखा माता जी ने, तो भाई घर पे तो कोई है नहीं, हस्बैंड है वो बाहर गए हुए हैं, बस वो छोटा बच्चा था और बहुत ही वो शरारती था, बहुत प्यारा भी था। तो भाई उसने कहा, बेटा ये ले 100 रुपये और जल्दी से जा, आपके अंकल आए हुए हैं, उनके लिए ना कुछ नमकीन और बिस्कुट ले गया। तो भाई वो बच्चा सामने खड़ा है और देख रहा है अपनी मम्मी की तरफ। तो फिर से कहती है, क्योंकि बच्चे को भी पता है भाई मौका है ना कुछ ना कुछ लेने का। तो भाई फिर से वो माता जी कहती है, बेटा जा चिंटू जल्दी जा, जल्दी से बाहर की शॉप पे जाके वो जल्दी से कुछ नमकीन और बिस्कुट लेके जा, आपके अंकल आए हुए हैं, ठीक है। फिर से वो बच्चा सामने खड़ा ऐसे ही और माता जी के सामने फिर से देख रहा है, ठीक है, वो नहीं जा रहा है, मन मन में कुछ कर रहा है ऐसे ही। तो भाई धीरे धीरे फिर से उसकी माता ने कहा, बेटा सुनता नहीं क्या, जल्दी जा। फिर कहता है मम्मा, क्या कहता है बेटा, मम्मा। उसके बाद आपको पता है माँ एक इस संसार में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा किरदार है बेटा जो माता ही जानती है और वो बेटा ही जानते हैं। आपको पता है आपका अपनी माँ के साथ कितना लगाव है, आपकी माँ का आपके साथ कितना लगाव है, ठीक है। ये प्यार ऐसा है बेटा जो यूनिक है पूरे वर्ल्ड में भी। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, उसने फिर क्या कहा, फिर से कहा उसकी माता जी ने कि बेटा जल्दी जा। फिर कह रहा है कि मम्मा एक्चुअली जाऊं। उसकी माता जी कहती है, ना बेटा ना, क्या करेगा एक्टिवा का। फिर खड़ा है ऐसे ही, फिर कहती है जा जल्दी जल्दी जा, आपके अंकल इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा है मम्मा। फिर उसकी माता जी कहती है, क्योंकि आपको पता है माँ तो भाई माँ ही होती है, वो पिंगल जाती है, उसका हृदय बहुत कोमल होता है। तो उसने कहा जा जल्दी जल्दी जा। फिर वो एक कदम बढ़ा थोड़ा सा, फिर रुक गया। और उसके बाद फिर कहती है वो, जा अब क्या हो गया। तो फिर से वो खड़ा रहता है और कहता है कि मम्मा 10 रुपये दे दो, चॉकलेट खानी है। उसने कहा ना जल्दी से जा, अब बाद में लेना। वो कह रहा है नहीं मैं भी नहीं जाता। क्या कह रहा है, नहीं नहीं जा रहा मैं भी। क्या कह रहा है बेटा, ऐसे ही मना कर रहा है, नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा। तो भी वो मना कर रहा है। तो यहाँ पर उसका मना करने का स्टाइल देखो बेटा, यही क्या कहलाता है बेटा, डिनाई। वो कह रहा है कि ना मैं तो नहीं जाता, ठीक है। फिर वो माता जी भाई अपनी हार मानती है और उसको 10 रुपये दे के और जाती है, उसको भेज देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो बच्चा मना कैसे कर रहा है भाई, इस तरह से कर रहा है कि नहीं जाता मैं। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इस तरह की सिचुएशन में डिनाई कहलाएगा। याद रखना बेटा, डिनाई में कितने लेटर होते हैं, 4 लेटर होते हैं। डिनाई में कितने लेटर होते हैं बेटा, 4 लेटर होते हैं। शाबाश, याद हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर डिनाई, डिनाई में कितने लेटर हैं, 4 लेटर से। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 होगी। शाबाश, आगे भाई ई। ये 4 लेटर बहुत आसान है, फिर भी मैंने आपको कीवर्ड बता दिया है अपनी तरफ से, ठीक है।
अब आप इसमें एक छोटे से रिसर्च करोगे तो इसमें मल्टीपल के आधार पर कुछ छोटे छोटे वर्ड्स निकाले जा सकते हैं। तो एक 5 की टेबल पे ही एक वर्ड्स निकाला गया बेटा इसमें, इजोटी। एक छोटा सा फार्मूला भी कह सकते हो जो कि आपकी मदद भी करेगा, आपकी इच्छा अगर आप करना चाहो तो कर लेना। मैं तो कहूँगा भाई आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी की करना है ना। तो भाई इजोटी में क्या है बेटा, 5 की टेबल है। ए की कितनी है 5, 10 की कितनी, सॉरी जे की कितनी है 10, ओ कितना बेटा 15, टी कितना है 20, वाई कितना 25। डन, इजोटी क्या याद करना है बेटा, इजोटी याद हो जाएगा, वेरी गुड। हमने डी तक याद कर लिया बेटा, ए 1 बी 2 सी कैट, सी 4 कैट, कितने कैट में लेटर 3, डी डिस्टेंस 4, डिनाई, डिनाई में कितने लेटर 4, डी की प्लेस में लो कितनी 4। आगे बढ़ते हैं बेटा ई, ई में देखो तुम्हें ई की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा 5। अब कहोगे गुरुजी कैसे याद करेंगे, तो मैंने कहा बेटा ई स्टैंड्स फॉर, आप क्या बना सकते हो, इजोटी, इजोटी में कितने लेटर है 5, इजोटी के कितने मतलब इजोटी में कितने लेटर आए 5, ठीक है ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ बेटा ई से एक ऐसे वर्ड का निर्माण होता है जिसकी तमन्ना हर गरीब को, हर अमीर को, हर छोटे को, हर बड़े को होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें भी ना मिले, ना बस ये मिलता रहे, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा वर्ड है बेटा, याद रखना बेटा ई स्टैंड फॉर एंजॉय। हाँ बेटा ई स्टैंड फॉर एंजॉय, ई स्टैंड फॉर बेटा एंजॉय याद हो जाएगा। एंजॉय में कितने लेटर है बेटा 5 लेटर्स है, एंजॉय में कितने लेटर है बेटा 5 लेटर्स है। डन, याद हो जाएगा ना, स्टैंड फॉर एंजॉय। हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, बस एंजॉय होनी चाहिए भाई और कुछ नहीं चाहिए, बस एंजॉय वाली लाइफ चाहिए, बस स्टैंड फॉर एंजॉय, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा एफ, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है 6, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा 6। अगर ध्यान से देखोगे ये मैंने जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो किस पैटर्न में है बेटा, स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है, सारे के सारे कैसे लेटर है बेटा, कैपिटल लेटर है, सारे के सारे कैसे लेटर हैं कैपिटल। तो कैपिटल एफ हमारा कुछ ऐसे ही बनता है बेटा, कैपिटल हमारा एफ कुछ ऐसे ही बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एफ का आगे से मुख मिला रहा हूँ, मिला दूँ और ये जो है इसको भी मैं पूरा कर लेता हूँ, इस लाइन को भी। और यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, मिरर रख दिया, क्या रख दिया मैंने, मिरर रख दिया। अब मिरर में इसकी जो छाया बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी ना। अब ये कैसा प्रतीत हो रहा है बेटा, हाँ भाई कैसा प्रतीत हो रहा है बेटा, कुछ 6 जैसा प्रतीत हो रहा है ना। हाँ बेटा कैसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है ना, आवास हो रहा है ना, एफ कैसा दिख रहा है 6 जैसा। क्या किया मैंने भाई, एफ का ये जो पोर्शन है, ये लाइन है, इसको पूरा कर लिया, आगे से इसका मुख ये मिला दिया और नीचे क्या रख दिया बेटा, मिरर रख दिया। मिरर में अब जो इसकी छाया बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, और अब ये देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत हो रहा है, कुछ 6 जैसा ना, कैसा प्रतीत हो रहा है बेटा 6 जैसा। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा 6 होगी, हाँ बेटा एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 6 हो जाएगी, याद हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक दो और कीवर्ड है इसी में सुनना बेटा, एफ में ही, ठीक है। एफ, एफ से आपने एक ऐसे वर्ड का निर्माण करना है बेटा जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो और बार बार आपको मजबूर कर देता है और बार बार आपकी तमन्ना रहती है कि मुझे ये चाहिए, चाहिए अपने यहाँ पर। तो एफ स्टैंड फॉर बेटा ऐसा कौन सा वर्ड बनता है, सोचना एक बार, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, ठीक है, कि मुझे तो ये चाहिए, चाहिए मेरा तो ऐसा होना चाहिए। तो बेटा याद रखना एफ स्टैंड फॉर क्या बनता है बेटा, एब्सटेंस फॉर बेटा फ्यूचर, एब्सटेंस फॉर फ्यूचर, एब्सटेंस फॉर बेटा फ्यूचर। फ्यूचर में कितने लेटर आए बेटा 6 लेटर, फ्यूचर में कितने लेटर आए बेटा 6 लेटर। तो एफ की प्लेस वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6। आप चाहते हो ना कि आपका फ्यूचर कैसा हो, ब्राइट हो, बार बार सोचते रहते हो ना, तो फ्यूचर कैसा होता है, ब्राइट होना चाहिए।
तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। याद रखना एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर, जिसके निर्माण के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, किसके लिए, इसी के लिए ना। तो याद रखना एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में कितने लेटर हैं, सिक्स, तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, सिक्स होगी। सबस आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं ये भी कह सकता हूँ बेटा, आपने आईपीएल देखा होगा, है ना, और आईपीएल में आपको पता है मैच क्या होते हैं, मैक्सिमम फिक्सिंग ही होते हैं। आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे मैच क्या होते हैं, फिक्स होते हैं बेटा। तो भाई याद रखना एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स, क्या आईपीएल में क्या फिक्स होते हैं, हर चीज मैच के मैच फिक्स हो जाते हैं। तो वहां पर क्या था बेटा, सिक्स, एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स, फिक्स बोले तो क्या, सिक्स। तो आईपीएल में सिक्स भी क्या होते हैं बेटा, फिक्स ही होते हैं, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स, साउंड भी सेम आ रही है, फिक्स सिक्स। तो आईपीएल में क्या फिक्स होते हैं बेटा, सिक्स भी फाइन मतलब फिक्स होते हैं, याद हो जाएगा, फिक्स सिक्स। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, जी, जी की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ बेटा जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, सेवन। जी की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, जी, जी, जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, सेवन। याद रखना एकमात्र ऐसा लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू उसी के अंदर छुपी हुई है, ये रहा जी सेवन, दिख रहा है ना, हाँ बेटा दिख रहा है ना, जी सेवन, जी की प्लेस वैल्यू उसी के अंदर छुपी हुई है, जी सेवन, डन, जी सेवन, याद हो जाएगा बेटा। और आपको नाम भी सुना होगा, एक संगठन होता है, एक समिट होता है, जी सेवन, सेवन कंट्रीज का ग्रुप होता है बेटा, जी सेवन, वो यहीं से निकला है, जी सेवन। और याद रखना जी की प्लेस वैल्यू जी के अंदर ही छुपी होती है, जी सेवन, एक ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज जिसका नाम क्या, जी सेवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एच, एच की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ भाई एच की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, एट है ना, शाबाश, देखना इधर, जो हमारा H है वो कैपिटल कुछ ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं ना, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर से इसका मुख मिला दिया, नीचे से उसके पैर मिला दिए, कैसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, रोमन भाषा में जो नंबरिंग होती है, आपने डिजिटल क्लॉक देखी है, उसमें नंबरिंग कुछ ऐसी होती है, होती है नहीं होती है, होती है ना। तो ये कैसा प्रतीत हो रहा है बेटा, एट जैसा, कैसा प्रतीत हो रहा है, एट जैसा। क्या किया मैंने, ये हमारा जो एच है ना, ऊपर से इसका मुख मिला दो, नीचे से इसके पैर मिला दो, तो क्या बन गया, कैसा प्रतीत हो रहा है, एट जैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है बेटा, एट जैसा प्रतीत हो रहा है, डन, याद हो जाएगा। एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, एट, एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, एट, डन। क्या किया मैंने, ऊपर से इसका मुख मिला दिया, नीचे से इसके पैर मिला दिए, और देखने से कैसा प्रतीत हो रहा है, रोमन भाषा में काउंटिंग होती है, नंबरिंग होती है, ऐसे ही होती है, कुछ देखा होगा आपने डिजिटल क्लॉक में, तो कैसा प्रतीत हो रहा है बेटा, एट जैसा, कैसा प्रतीत हो रहा है, एट जैसा, डन। और ऐसे आप एक वर्ड्स का भी निर्माण कर सकते हो बेटा, ठीक है, जब आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो डिफेंस सेक्टर में, तो वहाँ पर मेजरमेंट माने मतलब मेजरमेंट के लिए आपको बोला जाता है, ठीक है, मेजरमेंट आपके मांगे जाते हैं, तो उसमें एक कॉलम आता है बेटा हाइट का, क्या कॉलम आता है बेटा, हाइट का, था फ्री में कॉलिंग होती थी, फ्री में एसएमएस होते थे, और एक बार लग गए ना तो डाउनलोडिंग पे मोबाइल को बस पूरे के पूरे दिन लगाए रहते थे, कॉलिंग करें तो कॉलिंग लगे रहते थे। तो सिम क्या थी बेटा, पता होगा आप सभी को, और ये सिम आने के बाद बेटा आपको पता है हमारे इस जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो सिम क्या थी बेटा, जे स्टैंड फॉर जियो, हाँ बेटा जे स्टैंड फॉर जियो, जे स्टैंड फॉर बेटा जियो, जे स्टैंड फॉर बेटा जियो, जे स्टैंड फॉर बेटा जियो, जियो में क्या छुपा हुआ बेटा, जे की प्लेस वैल्यू छुपी हुई है,
आप कभी भी मार्केट में जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं इसके दर्शन हो जाते हैं, या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन देखो कहीं ना कहीं आपको दर्शन होंगे अगर आप जियो सिम यूज करते हो तो, या फिर आप कभी भी मार्केट में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्लैक्स लगे मिलेंगे, जे स्टैंड फॉर जियो। और जियो में क्या छुपा हुआ बेटा, याद रखना आज से जियो में जे की प्लेस वैल्यू छुपी हुई है, जियो में बेटा जे की प्लेस वैल्यू छुपी हुई, ये रही दिख रहा है ना, ये हटा दो, जे टेन है बेटा, जे टेन, आई टेन नहीं होता ध्यान रखना, जे टेन, जे टेन। जैसे जैसे बेटा सिम आई तो आपको पता है सिम किसके बिना अधूरी है, हाँ बेटा सिम किसके बिना अधूरी है, मोबाइल के बिना, मोबाइल किसके बिना अधूरा है, सिम के बिना, सिम किसके बिना अधूरी है, मोबाइल के बिना। तो भाई कुछ समय बाद फिर मोबाइल भी आया, सैमसंग ने बेटा जे सीरीज लॉन्च कर रखी है, सैमसंग ने जे सीरीज लॉन्च कर रखी है, और उसमें एक मॉडल आया था बेटा जे टेन, जे टेन, हाँ बेटा जे टेन याद हो जाएगा, सैमसंग ने एक जे सीरीज लॉन्च की थी उसमें एक मॉडल आया था जे टेन, डन। फिर से कह रहा हूँ जे टेन, आई टेन नहीं करना है, जे टेन, या फिर जे स्टैंड फॉर जियो, जियो में क्या छुपा है, जे की प्लेस वैल्यू छुपी हुई है। सब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लेटर क्या है, के, सबसे इम्पोर्टेंट लेटर है और बहुत प्यारा भी लेटर है, ठीक है। हाँ बेटा क्या कहा, के की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा, 11, के की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 11। आप सभी को बचपन के दिन याद होंगे ना, ठीक है, एक बार बचपन की तरफ आपको लेके चलता हूँ बेटा, ठीक है, शायद आपने बोला हुआ कभी ना कभी बचपन में, है ना। तो बेटा मैं कह रहा हूँ बेटा के की प्लेस वैल्यू कितनी है, 11। तो भाई एक छोटी सी स्टोरी है उसको सुनना भी। तो भाई ऐसे ही एक क्लास में ऐसे टीचर पढ़ा रहे थे बोर्ड के ऊपर, और भाई बच्चे राइट डाउन कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि कल गुरुजी सुनेंगे, जैसे कि मैं भी सुनता हूँ भाई, आपको पता है आज राइट डाउन करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये तो ऑनलाइन क्लास है, अगर ऑफलाइन होते तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें करवाता, नेक्स्ट डे आपसे ये सुनता, ठीक है। तो भाई ऐसे ही वो भी अपना राइट डाउन कर रहे थे बच्चे सभी के सभी, और उनको पता है कि कल गुरुजी सुनेंगे। तो भाई आपको पता है कुछ बैक बेंचर होते हैं, है ना, कुछ यूनिक होते हैं क्लास में, हर एक क्लास में होते हैं। तो भाई वो बैक बेंचर में से एक बच्चा था, थोड़ा सा नटखट था, थोड़ा सा शरारती था, ठीक है। तो भाई तो क्या करता है, उसको पता है सारे के सारे बैठे हुए हैं और अपना लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर टीचर लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगे हुए हैं अपना, वो बेचारा मस्ती मार रहा है। उसने देखा कि उसका जो नेक्स्ट उससे आगे सीट पे बैठा है उसका फ्रेंड है, और देख रहा है कि भाई ये तो लिख रहे हैं, और कल मैं तो फंसूंगा ही फंसूंगा, मेरे तो याद नहीं होंगे क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो भाई उसने कहा कि मैं तो चल ठीक है नहीं करूँगा, अब इसके साथ ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पूछनी है, मैं पूछ लेता हूँ। तो कहता है भाई सुनना भाई, वो कहता है भाई अभी थोड़ी देर रुक जा, फिर से उसको बोलता है भाई सुनना, फिर कह रहा है अभी रुक जा भाई रुक जा, क्लास ओवर होने के बाद कर लेंगे। तो भाई वो फिर से शरारत करता है उसके सामने से, अरे सुन ले भाई सुन ले, वो कह रहा है अरे रुक जा भाई रुक जा, फिर कह रहा है वो एक दो बार फिर कोशिश करता है, फिर वो बोलना ही बंद कर देता है। तो फिर उसके मन में भी क्या होती है, शरारत स्टार्ट होती है, उसके हाथ में पेन होता है, और पेन की निब पे क्या करता है ऐसे फिंगर रख के, और क्या करता है पीछे से भाई पिंच कर देता है, और वो बेचारा आगे वाला भी बहुत ऑनेस्ट बच्चा था, बहुत सहनशील था, ठीक है, वो फिर भी चुप जा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। तो फिर वो थोड़ा सा शरारती था, उसने फिर क्या किया बेटा, अब की बार पेन की जो निब है ना उसके ऊपर जो फिंगर थी थोड़ी सी पीछे कर दी, पीछे करने के बाद फिर से उसको पिंच करता है वो। तो भाई वो फिर से अपना चुपचाप बेचारा, उसको पता है ये इसके साथ क्यों करना, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर भाई उसे नहीं लगा, उसने क्या किया, अब की बार फिंगर वगैरह भाई हटाओ, अब तो देखा जाएगा जो कुछ है, फिंगर हटा देता है निब से, और भाई अब की बार फिर से वो फिर से पिंच करता है, और आगे वाले के हाल फिर आपको पता है कुछ बेहाल होते हैं, चेहरा उसका लाल हो जाता है, पीछे की तरफ आपको पता है क्या है, वो कहता है अरे तू मानेगा नहीं क्या, क्या है, और वो क्या कहता है बेटा, इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, वो क्या कहता है, इंग्लिश का 11वां लेटर
के है, इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या है, के है। उसने फिर से जवाब दिया, बस तुम्हें यही पूछना था क्या, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो इसी को फिर से एक बार कहता है कि एक बार फिर से इसको फिर से एक बार परेशान करता हूँ, और फिर से वो ऐसे ही उसको पिंच करता है, और अब की बार जो आगे वाला बेचारा लाल पीला हो जाता है। और उसका फिर भी क्वेश्चन क्या रहता है कि भाई इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, और उसके बाद उस बेचारे का सहनशीलता है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसकी आगे की कहानी आप समझ सकते हो, फिर क्या हुआ होगा, इतना थोड़ी बर्दाश्त करता है कोई, ठीक है। तो बेटा ठीक है, फिर वो जो शरारती बच्चा था उसको फिर अगले दिन एक और बच्चा मिला। आपको पता है जो शेर है उसको सुबह शेर मिल ही जाता है, तो भाई उसको भी उसके दिमाग में भी क्वेश्चन था, भाई पूछना ही है इंग्लिश का 11वां अक्षर के है। हाँ बेटा, उसको भी पूछना ही था कि इंग्लिश का 11वां अक्षर के है। तो भाई उसको एक वो नया बच्चा मिल गया, उसने कहा कि भाई इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, तो वो भी भाई उसी जैसा था, उसने जवाब दिया सीधी फूकनी आडा चिंटा। तो उस शरारती बच्चे ने उसने जो उसका उससे भी ज़्यादा था उसने क्या कहा बेटा, सीधी फूकनी आडा चिमटा। बात समझ में आई क्या, थोड़ी सी हरियाणवी भी होगी, सीधी फूकनी और आडा चिमटा क्या बन गया, के बन गया। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ बेटा इंग्लिश का 11वां अक्षर के है। हाँ बेटा, इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, याद हो जाएगा, डन पक्का ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा एल, हम इन दोनों को इकट्ठा भी याद कर सकते हैं बेटा, जे और के को, जे और के को हम इकट्ठा भी याद कर सकते हैं बेटा। कैसे, क्या लिखा मैंने, जे एंड के, जे एंड के, जे स्टैंड फॉर जम्मू, के स्टैंड फॉर कश्मीर, ठीक है ना। तो भाई याद रखना, की वर्ड सुनना ध्यान से बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां तो हर रोज की आम बात है। हाँ बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां तो हर रोज की आम बात है। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, वहां पर एक बार चले गए तो खतरा मंडराता ही रहते हैं। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में बेटा हर रोज की 10-11 गोलियां तो आम बात है, याद हो जाएगा। या फिर बेटा जे स्टैंड फॉर जियो, जियो में क्या छुपा हुआ, जियो जियो में क्या छुपा हुआ बेटा, जे की प्लेस वैल्यू, जे 10 और इंग्लिश का 11वां अक्षर के, वेरी गुड ना। आगे बढ़ते हैं बेटा एल, एल की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 12। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 12। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12। फिर से बोलना 12, फिर से बोलना 12। 12 में आप देखो किस लेटर की साउंड सबसे ज़्यादा आ रही है, 12 12, बोल के देखना अपने आप, 12 12, किसकी आ रही है, एल की ना। तो याद रखना 12 में क्या छुपा हुआ है, एल छुपा हुआ है, तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। सुनना बेटा एक कीवर्ड और बताता हूँ, ठीक है, सबसे खतरनाक लेटर है, ठीक है। एल स्टैंड फॉर बेटा एक बहुत ज़्यादा प्यारा वर्ड बनता है। हाँ बेटा, एल स्टैंड फॉर बेटा एक बहुत ज़्यादा प्यारा वर्ड बनता है, एक बहुत अच्छा है, और जिसकी तमन्ना हर किसी को ही रहती है। हाँ बेटा, जिसकी तमन्ना हर किसी को रहती है। तो सोचना एक बार अपने माइंड में कि एल स्टैंड फॉर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी तमन्ना हर किसी को रहती है, छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को, ठीक है। तो याद रखना बेटा एल स्टैंड फॉर बेटा क्या होता है, वो लव। एल स्टैंड फॉर बेटा क्या होता है, वो लव होता है। हर एक की भाई तमन्ना है भाई, जिंदगी में ये होना ही होना चाहिए, है ना। तो बेटा एल स्टैंड फॉर लव, एल स्टैंड फॉर लव। तो भाई हमारे जो एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर कुछ हीरो भी हैं, कुछ विलन भी हैं, कुछ आपको पता है एक फिल्म के अंदर क्या क्या होता है, हीरो भी, हीरोइन भी है, विलन भी है, ये सारी चीज़ें। तो हमारी भी स्टोरी में सारी चीज़ें मिलेंगी धीरे धीरे आपको देखने को। तो अब समय आ गया है आपको उस हीरो और हीरोइन से मुलाकात कराने का, ठीक है। तो बेटा, तो भाई ऐसे ही एक बार दो प्रेमी थे बेटा, ठीक है, एक कपल था। उस कपल में आपको पता है एक मेल और एक फीमेल है,
उस कपल में बेटा एक मेल और फीमेल है। तो भाई ऐसे ही वो एक बार किसी बीच पे बैठे थे, हाँ बेटा वो ऐसे ही कभी किसी एक बीच पे बैठे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो भाई कुछ समय बाद पता नहीं उस लड़की को क्या हुआ और वो चिल्लाने लगी, और क्या चिल्लाने लगी, गुनगुनाने लगी, कुछ छोटा सा उस वक्त गाना भी आया था, एक सॉन्ग आया था, वो गुनगुनाने लगी कि मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ। लड़की वो एकदम से खड़ी हुई और एक सॉन्ग चिल्लाने लगी, गुनगुनाने लगी, और क्या कहा उसने कि मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ। लड़का बेचारा बैठा और देख रहा है कि इसको क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है। तो भाई वो फिर से कह रही है कि मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ। तो भाई वो लड़का फिर से देखता है कि इसको पता नहीं आज क्या हो गया है। तो उस लड़के को भी भाई कुछ देर तक वो ऐसे ही करते रही, उस लड़के ने भी फिर उससे नहीं रहा गया, तो उसने पूछ लिया कि कब हुआ। तो उस लड़के ने क्या पूछा बेटा, कब हुआ। तो उस लड़के ने क्या कहा बेटा, 12th class में। उस लड़की ने क्या कहा बेटा, 12th class में, 12वीं कक्षा में। तो एल्स टेंस फॉर बेटा लव, कब हुआ, 12th class में, याद हो जाएगा। एल्स टेंस फॉर लव, कब हुआ बेटा, 12th class में। एल्स टेंस फॉर लव बेटा, कब हुआ, 12th class में, कब हुआ बेटा, 12th class में, याद हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। एल्स टेंस फॉर बेटा लव, कब हुआ, 12th class में। या फिर एक और कीवर्ड में कहूँ बेटा, एल्स टेंस फॉर क्या बनता है, हाँ बेटा बचपन में पढ़ा है ना, एल्स टेंस फॉर लॉयन। एल स्टैंड्स फॉर बेटा लॉयन। जब आप एकदम से किसी पार्क में बैठे हो, चुपचाप किसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसमें खोए हुए हो, और अचानक से आप देखते हो कि आपके सामने शेर आ गया है, अचानक आपके सामने शेर आ गया है, तो आपके चेहरे पे क्या होगा, आपके चेहरे पे कितने बजे होंगे, हाँ बेटा आपके चेहरे पे कितने बजे होंगे, 12 ही बजे होंगे, है ना। तो अचानक शेर आ जाने से बेटा उसके चेहरे पे क्या बजेगा, 12 ही बजेंगे, ठीक है। तो एल स्टैंड्स फॉर बेटा लॉयन, और लॉयन को एकदम से आने से तो क्या बजते हैं चेहरे पर, 12 ही बजते हैं, याद हो जाएगा। सब बस आगे बढ़ते, एम बेटा एम। तो नेक्स्ट टू लेटर आगे याद करते हैं बेटा, एम और डब्लू, एम और डब्लू, नेक्स्ट टू लेटर को बेटा एक साथ याद करेंगे, ठीक है। एम और डब्लू, एम डब्लू। एम से क्या बनाना है बेटा, मैं बनाना है। एम से क्या बनाना है बेटा, मैं बनाना है। और डब्ल्यू से क्या बनाना है बेटा, वाइफ बनानी है। डब्ल्यू से क्या बनाना है बेटा, वाइफ बनानी है। तो कीवर्ड क्या हो जाएगा बेटा, हाँ भाई याद रखना, एम से क्या बनाना है, मैं, और डब्ल्यू से क्या बनाना है, वाइफ। तो यहाँ पर भी एक कपल है बेटा, जिसमें जो मेल है वो कितने इयर्स का है, 13 इयर्स का है। जो मेल मेंबर है वो बेटा कितने इयर्स का है, 13 इयर्स का है। और जो फीमेल है वो कितने इयर्स की है, 23 इयर्स की है। वो कितने की है बेटा, उसकी वाइफ 23 इयर्स की है। तो कीवर्ड क्या बनेगा बेटा, मैं कितने का, 13 का, हाँ बेटा मैं कितने का, 13 का, और मेरी वाइफ कितने की बेटा, 23 की। शायद आपको कुछ यूनिक लगा, हाँ ये यूनिक ही बेटा, ठीक है। और ये एक्चुअल में है, ठीक है, एमपी में है, न्यूज़पेपर में भी आई थी, आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो कपल है बेटा, और बहुत यूनिक कपल है, ठीक है। एम, एम क्या बेटा, मैं कितने का, 13 का, और मेरी वाइफ कितने की बेटा, 23 की। एक बार फिर से बोलना बेटा, मैं कितने का, 13 का, मेरी वाइफ कितने की, 23 की, याद हो जाएगा ना, हाँ बेटा मैं कितने का, 13 का, मेरी वाइफ कितने की बेटा, 23 की, डन। आगे बढ़े ना बेटा, सब बस आगे बढ़ते हैं एन, हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं एन। एन कितना बेटा, 14। एन कितना बेटा, 14। तो भाई इंडिया का जो फर्स्ट PM था, प्राइम मिनिस्टर था, वो कौन है बेटा, हाँ भाई इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है बेटा, नेहरू ना, है ना। तो भाई एन स्टैंड्स फॉर नेहरू, और नेहरू का बर्थडे कब मनाते हैं बेटा, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं ना। एन स्टैंड्स फॉर नवंबर, एन स्टैंड्स फॉर बेटा नवंबर, एक ही मंथ है जिसकी स्टार्टिंग एन से होती है।
एन स्टैंड फॉर बेटा नवंबर, और नवंबर में हमें किस का इंतजार रहता है? चिल्ड्रन डे का ना, स्कूल लाइफ में आपने देखा है चिल्ड्रन डे का बच्चों को मतलब क्या रहता है, इंतजार रहता है, क्या रहता है, इंतजार रहता है। तो एन स्टैंड फॉर बेटा नवंबर, एन स्टैंड फॉर बेटा नवंबर, 14 नवंबर, क्योंकि उसको पता है उस दिन भाई स्कूलों में क्या मिलेगा उनको, चॉकलेट मिलेंगी, टॉफीज मिलेंगी, शाबाश। या फिर भैया आप मूवी देखते होंगे तो कुछ समय पहले एक मूवी आई थी बेटा एन एच टेन, ठीक है, NH10। और आपको पता है NH14 भी होता है, NH14, ठीक है, नेशनल हाईवे 14, जैसे NH10 एक मूवी का नाम है, लेकिन हमें NH10 याद नहीं करना, NH14 याद रखना है। क्या याद करना बेटा? NH14, नेशनल हाईवे। हाँ बेटा, नेशनल हाईवे कितना? 14, नेशनल हाईवे कितना? 14, NH14। तो यहाँ पर N की प्लेस वैल्यू कितनी है? 14 है। यहाँ पर N की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 14, याद हो जाएगा। NH14 जो हमारा नेशनल हाईवे 14 है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा? राजस्थान से गुजरात जाता है। कौन सा है वो बेटा? नेशनल हाईवे 14 है, NH14। कहाँ से तक मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है? राजस्थान से गुजरात जाता है, डन। या फिर एंस्टेंस फॉर नवंबर, नवंबर में किसका इंतजार रहता है बेटा? 14 नवंबर का, चिल्ड्रन डे का। एंस्टेंस फॉर नवंबर, नवंबर में किसका इंतजार है? चिल्ड्रन डे का, मतलब 14 नवंबर का, डन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेटर क्या है? ओ। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 15। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 15। ओ से क्या बनाएंगे बेटा? ऑरेंज। ओ स्टैंड फॉर क्या बोलेगी बेटा? ऑरेंज जूस। ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज जूस। कितने रुपए का गिलास बेटा? 15 रुपए का। कितने रुपए का गिलास बेटा? 15 रुपए का। ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज जूस। हाँ बेटा, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज जूस। कितने रुपए का गिलास बेटा? 15 रुपए का। कितने रुपए का गिलास बेटा? 15 रुपए का, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, पी। पी की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा? 16। पी की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा? 16। और क्यू की कितनी है? 17। नेक्स्ट दोनों लेटर को बेटा एक साथ याद करेंगे, नेक्स्ट दोनों लेटर्स को एक साथ याद करेंगे। पी की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 16 है। और क्यू की कितनी है? 17 है। क्यू की कितनी है बेटा? 17 है। और पी की कितनी है? 16 है। तो भाई कीवर्ड को ध्यान से सुनना बेटा, पी से बनाना है पेपर, और पी से क्या बनाना है? पास। पी से क्या बनाना है बेटा? पेपर। पी से और क्या बनाना है? पास। तो पेपर में कितने क्वेश्चन बेटा, और क्यू से क्या बनाएंगे बेटा? क्वेश्चन। क्यू से क्या बनाएंगे बेटा? क्वेश्चन। पेपर में पी से क्या बनाएंगे? पेपर। पी से क्या बनाएंगे? पास। क्यू से क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? क्यू ही तो लिखते हैं। क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? क्यू। तो कीवर्ड को सुनना बेटा, पेपर में कितने क्वेश्चन? 17। पास कितने वाला? 16 वाला। पास कितने वाला? 16 वाला। पेपर में कितने क्वेश्चन? 17। पास कितने वाला? 16 वाला। पेपर में कितने क्वेश्चन बेटा? 17। पास कितने वाला? 16 वाला, याद हो जाएगा। पी से क्या बनाएंगे? पेपर और पास। क्यू से क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? क्यों ना। तो पेपर में कितने क्वेश्चन बेटा? 17। पास कितने वाला? 16 वाला। पेपर में कितने क्वेश्चन? 17। पास कितने वाला? 16 वाला। आगे बढ़ते हैं बेटा, आर। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 18 ना। हाँ बेटा, आर की प्लेस वैल्यू कितनी है? 18। हाँ बेटा, आर की प्लेस वैल्यू कितनी है? 18 है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 18 है। कुछ समय पहले आपको पता होगा हमें एक राइट मिला था, वो क्या था बेटा? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसे कौन लेके आया था? अरविंद केजरीवाल लेके आया था भारत में। कब लागू हुआ था बेटा RTI भारत में? 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारत में RTI? 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। और RTI लगाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए बेटा?
आरटीएल लगाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए बेटा? 18 होनी चाहिए। हाँ भाई, आरटीएल लगाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए बेटा? 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एस, एस की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? हाँ भाई, एस की प्लेस वैल्यू कितनी है? 19। तो भाई एस की प्लेस वैल्यू कितनी है? 19। आपने सेक्टर के बारे में सुना होगा बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। मोदी जी आए तो एक और सेक्टर का निर्माण कर दिया, पर्सनल सेक्टर। ठीक है, और आपने ऐसे भी नाम सुना होगा सेक्टर जहाँ पर आप रहते भी हो, सेक्टर 2, 3, 4, 5 इस तरह से, है ना। तो मैं ऐसी एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ बेटा, वो सेक्टर कितना है? 19। वो सेक्टर कितना है बेटा? 19। तो भाई इस सेक्टर 19 की भी अपनी कुछ अलग ही बात है। तो याद रखना एस स्टैंड्स फॉर सेक्टर 19। और ये सेक्टर 19 में कौन से सेक्टर 19 की बात कर रहा हूँ बेटा? जो लंदन के अंदर है। कहाँ पर है? जो लंदन में है, सेक्टर 19, जहाँ पर बेटा वहाँ के जो बंगलों होते हैं, जहाँ पर उनके जो हाउस होते हैं ना, बहुत ही यूनिक होते हैं। जैसा आप चाहो वैसा ही हो जाएंगे, दीवारें चेंज हो जाएंगी, फ्लोर चेंज हो जाएगा, रूफ चेंज हो जाएगा, जो चाहो आपका वैसे के वैसे। ठीक है, तो भाई तो याद रखना एस स्टैंड्स फॉर सेक्टर, सेक्टर कौन सा बेटा? 19। अगर घर लेना तो कहाँ लेना बेटा? लंदन के सेक्टर 19 में लेना है भाई। कहाँ लेना है बेटा? लंदन सेक्टर 19 में लेना है, याद हो जाएगा, लंदन शहर के सेक्टर 19 में लेना है। डन। तो घर लेना तो कहाँ लेना है बेटा? सेक्टर 19 में लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा टी, आगे बढ़ते बेटा टी। क्रिकेट की एक सीरीज होती है बेटा T20, क्रिकेट की एक सीरीज होती है बेटा T20, बेटा क्रिकेट की एक सीरीज होती है T20, याद हो जाएगा T20, क्रिकेट की सीरीज होती है ना T20, वैसे ही यहीं से निकला वो T20। नेक्स्ट लेटर क्या है बेटा? U, हमने अभी भी याद किया था, I know U 21, मैं जानता हूँ U कितने का? 21 का है, मैं जानता हूँ U कितने पर है? 21 पर है। आगे बढ़ते हैं बेटा V, आगे बढ़ते हैं बेटा V। देखना ये क्या है V, और ये क्या है V, ये भी क्या है V, और ये भी क्या है V, दोनों का प्रोनंसिएशन क्या है? सेम है ना। हाँ बेटा, दोनों का प्रोनंसिएशन क्या है? सेम है ना। शाबाश। तो भाई उस समय पहले एक स्लोगन आया था, इस वी का मतलब क्या होता? हम। तो यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम कितने? दो। हमारे कितने? दो। तो वी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा? 22। इस वी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सेम प्रोनंसिएशन है, कीवर्ड्स बना रहे हैं हम। तो भाई स्लोगन क्या था? हम दो हमारे दो। तो भाई V की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? हम दो हमारे दो, मतलब हम दो हमारे दो। तो V की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा? 22 होगी। या फिर बेटा V को ध्यान से देखो, V में कितनी स्लैंट लाइन है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो कितनी V के अंदर कितनी स्लैंट लाइन है बेटा? 2। V के अंदर कितनी स्लैंट लाइन है बेटा? 2। तो 2 का रेपिटेशन कर दो, कितना? 2। 2 का रेपिटेशन कर दो एक बार फिर से, कितना बन गया? 22 V 22 V 22। हम कितने के? 22 के। हम कितने के? 22 के। आप कितने के? 21 के। आगे बढ़ते हैं बेटा W, M के साथ हम याद कर चुके हैं। मैं कितने का? 13 का। मेरी वाइफ कितने की? 23 की। और याद रखना M और W में इनके बीच में एक अहम रिलेशन होता है, जो आगे जाके आपका टॉपिक आएगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज का। ठीक है, तो इनके बीच में एक गहरा रिलेशन है जो कभी भी ब्रेक होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे फिर आपको बताऊंगा जब नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कीवर्ड निकलता है और इसी कीवर्ड्स के हिसाब पर हम पूरा का पूरा वाटर इमेज और मिरर इमेज कर लेंगे कंप्लीट। याद हो जाएगा मैं कितने का? 13 का। मेरी वाइफ कितने की? 23 की। एक यूनिक कपल है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा X, आगे बढ़ते हैं बेटा X। X की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा? 24 है। X की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 24 है। X की प्लेस वैल्यू कितनी बेटा? 24 है। डन। X की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 24 है। X की प्लेस वैल्यू कितनी है? 24 है। देखो
एक्स कैपिटल कुछ ऐसा ही बनता है, एक्स के अंदर कितनी स्लांट लाइनें हैं, टू। एक्स के अंदर कितनी स्लांट लाइनें बेटा, टू। एक ये रही कितने हैं, एक्स के अंदर कितनी स्लांट लाइनें हैं, टू। अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर कितने हैं, फोर। तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 24। हाँ बेटा, एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 24। फिर से देखना, एक्स के अंदर कितनी स्लांट लाइनें हैं, टू। और एंगल्स की बात करूं तो कितने एंगल्स हैं, फोर एंगल्स हैं। तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 24। एक्स के अंदर कितनी स्लांट लाइनें हैं, टू। कॉर्नर कितने हैं, फोर। तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, 24। या फिर मैं बात करूँ एक्स के अंदर कितने स्लाइड लाइनें हैं, टू। देखो तो यहाँ पर क्या है, एंगल भी बन रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस। तो भाई यहाँ पर कितने एंगल्स हैं, फोर। तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 24। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लेटर क्या है, वाई। नेक्स्ट लेटर क्या है बेटा, वाई। हमने किस वर्ड से पढ़ना स्टार्ट किया था एक्चुअल में, इंजॉय से, या फिर आप कहोगे एजोटी से, है ना। एजोटी का लास्ट लेटर क्या है, वाई। और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 25। या फिर ई स्टैंड्स फॉर एंजॉय, एंजॉय में भी कितने लेटर हैं, 5 लेटर है ई का और वाई, है ना। एंजॉय में कितने लेटर हैं, 5। 5 का स्केयर कितना होता है, 25। तो वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 25। एंजॉय में फर्स्ट और लास्ट लेटर की, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर काम के हैं, ये कितने हैं, 5 है। 5 का स्केयर 25। डन, सब बस। आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट लेटर है जेड। लास्ट लेटर क्या है बेटा, जेड। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 26 है। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 26 है। याद हो जाएगा, सबसे लास्ट लेटर होता है, सबसे आखिरी अक्षर होता है, सॉरी सबसे आखिर का मतलब आपका लेटर होता है, सबसे लास्ट लेटर है बेटा जेड। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है, 26। जेड की कितनी है भाई प्लेस वैल्यू, 26। तो बेटा सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्या आपको याद हो गई, डन। वीडियो को फिर से बैक कर करके आप इनको एक दो बार सुनना ध्यान से, ठीक है। मैंने जितना अपनी तरफ से दे पाया हूँ उतना मैंने अपनी तरफ से किया है, ठीक है। और धीरे धीरे से और धीरे धीरे परिवर्तन करते रहेंगे, ठीक है। और आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में बेटा, ठीक है। तो इनको रिवाइज करना एक बार, कोशिश करना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है बेटा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू, सी यू ऑन नेक्स्ट पार्ट।